यो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो बताऊ, मुझे तो बस व्यूज और लाइक्स से मतलब। चलो फालतू बातों से हटकर आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था ग्रैनी चैप्टर 3 खेलने के लिए और एक ने कमेंट किया था ग्रैनी चैप्टर 1 खेलने के लिए। तो ग्रैनी 3 माइनस ग्रैनी 1 इक्वल टू ग्रैनी 2, तो मैं खेलूंगा ग्रैनी 2। तो वीडियो देखने से पहले इसी वीडियो को लाइक करो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और ये हमारा गेम उसका स्टार्ट, ये है डे 1। इस गेम में हमें टोटल 5 डेज मिलते हैं और जो लास्ट डे है वो 5th डे रहता है। और इस गेम में हमें एक बुड्ढे और एक बुढ़िया ने अपने घर में बंद कर रखा है और हमारा आज का गोल है यहाँ से एस्केप करना। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया कौन सा एस्केप करना है। पहले बुढ़े कर नीचे बुढ़ाते हैं, भाई नीचे बचा दिया सोर, जल्दी छिप जाते हैं वरना वो लगा के मेरा बैंड हो जा देंगे। चलो ये अब थोड़ा देर इंतजार करते हैं बुढ़े बुढ़िया का आने का। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें होते हैं टोटल 5 दिन, जिसमें से कि अभी ये हमारा डे 1 है और अगर हम लोग टपकते हैं तो इसके बाद हमारा डे 2 स्टार्ट होगा। तो हाँ, हमारा गोल है यहाँ से एस्केप करना। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कौन सा एस्केप करेंगे, पर हाँ जिस तरह के आइटम्स मिलेंगे वैसा ही इसके हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ये बुढ़ा तो आ चुका है, बुढ़िया ये भाई ठीक है, ग्रैंडी भी आ चुका है। ऊपर चलते हैं भाई साहब। नीचे तो सबके सब ध्यान भटक चुके हैं। यहाँ ड्रावर देखते हैं भाई कुछ है भाई, ड्रावर में कुछ नहीं है, एक कवर में कुछ नहीं। चलो ऊपर देखते हैं भाई, नीचे घूमना खतरनाक है क्योंकि अगर वो लोग आएंगे तो सबसे पहले नीचे ही आएंगे। ये किचन है। अरे भाई साहब स्टन गन मिल चुका है भाई, अब पहले उन दोनों का गेम बजाऊँगा उसके बाद कुछ करूँगा। बस आ जाए दोनों। ए भाई ग्रैंडी तो ऊपर आ रही है। अरे भाई साहब ये ग्रैंड को तो ग्रैंडी से भी तेज है भाई, पहले से आ गया भाई। अगर मैं इसे नहीं देखता तो ये मेरी गेम बजा देता भाई। अगर मैं देखा तो ये ऊपर आ गया, इसके मरने का वक्त आ चुका है। ये ठुस गया भाई, स्टन गन से लग चुका है। अब बात ये ग्रैंडी की मतलब इसकी बुढ़िया की, अब वो भी आ ही रही है कि भाई इसकी आवाज़ सुनकर। ये आ गई बुढ़िया, ले भाई तू ही मर भाई, नहीं बहन ले बहन तू ही मर। बहन के बोले भाई दादी जी बुढ़िया है बुढ़िया। ये मैंने उठा लिया अपना एमो, जल्दी जल्दी इससे सिक्योरिटी के लेते हैं ग्रैंड पा से और जाके खोल लेते हैं सिक्योरिटी रूम। उसके बाद हमें इस चाबी की कोई जरूरत नहीं है, इसे फेंक देंगे जय घर में। फिर हम लोग जल्दी जाकर स्टैंड गन उठा लेंगे क्योंकि अगर स्टैंड गन हाथ में रहता है कॉन्फिडेंस रहता है, अगर एक भी वेपन हाथ में नहीं रहा तो भाई डर लगा रहता है कब कहाँ से ग्रैंडी ग्रैंड पा आ जाए। अरे बुढ़िया हट। हाँ ठीक है भाई, हमें मिल चुका है, हमने अपना गन वापस उठा लिया है, अब हम लोग बिल्कुल सेफ है भाई। हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी छान बीन, जिससे कि हम लोग को पता चल जाए भाई और सामान किधर है और बाद में उसे हम लोग इसके पंगले आराम से यूज कर पाए। तो यहाँ तो सारा ड्रॉ खाली, बस हमें एक काम चीज़ मिला वह कारोबार। यदि यहाँ से और आगे जाते हैं और हम छान करना शुरू करते हैं क्योंकि भाई हमको जो करना है 2 मिनट के अंदर करना है, फिर ग्रैंडी गन पर फिर से आ जाएंगे। बट डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास स्टैंड गन है, वो फिर से जिंदा होंगे, हमारे फिर से टपका देंगे। और ये हमें बात करते हुए जो एक पीस ऑफ पिक्चर जिसे हम फेंक देते हैं सिक्योरिटी रूम में क्योंकि इसका रूम इसका यूज है ऊपर, और जब हम लोग ऊपर जाने लगेंगे तो इसे उठा कर लेते जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टैंड गन उठा लेते हैं। अरे उठना भाई भाई भाई। हाँ ठीक है, स्टैंड गन फिर से उठा लिया और हम लोग चेक करते हैं अलग अलग रूम्स। और इस रूम में भाई कुछ नहीं, बस एक डब्बा है, क्रोवर से खोल सकते हैं पर अभी नहीं खोलेंगे, बाद में खोलेंगे। पर ये बेडरूम है, इसे चेक कर लेते हैं भाई। ये क्लोजेट हमेशा खाली ही रहता है और ये इधर एक रेंच बड़ा है और इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ 3 ड्रॉवर जिसे खोलने का पता चला, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं, और इसमें कुछ नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं। और ये हमें यहाँ में जो अभी पन की भाई, यहाँ ग्रैंडी ग्रैंड बात नहीं रहे, यदि दीपन की उठा के नीचे भाग जाएंगे भाई। ठीक है, यदि दीपन की उठाते हैं जाके शॉर्ट गन हमें मिल जाना भाई। शॉर्ट गन एक और शॉर्ट गन हाथ आ जाए फिर तो ग्रैंडी ग्रैंड पास मुझे कुछ भी डर नहीं है। ग्रैंडी ग्रैंड पास डरेगा कौन भाई, एक और हाथ में शॉर्ट गन आ जाए तो बस शॉर्ट गन में गोली रहना चाहिए भाई, रिलोड नहीं तो फिर वो लोग लट्ठी से ही मेरे मत्था बजा के चल जाएंगे। तो भाई यहाँ हम लोग आ चुके हैं शॉर्ट गन वाले रूम में, हमने हाथ में शॉर्ट गन ले लिया, उसे रिलोड भी कर लिया और अब हम लोग ठोकेंगे दोनों ग्रैंडी ग्रैंड पास को। यहाँ हमने बचा दिया साउंड कि वो लोग इधर आए और हम दोनों और हम उन्हें उड़ा दिए। तो आ ही रहेंगे गाइस, कहाँ से आएंगे देखते, ऊपर से नीचे से। खैर तब तक वो आते नहीं, तब तक मैं कुछ तलाशी ले लेता हूँ। इस रूम में भी कुछ नहीं, बस अभी ड्रावर चेक करते हैं भाई, उस शायद उसमें कुछ मिल जाए। पहले दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, उन्हें पता चला पीछे से आके मेरा गेम बजा दिया उन्होंने भाई। पहला ड्रावर खाली, दूसरा ड्रावर खाली भाई, तीसरा ड्रावर भी खाली। और खैर अभी तो मुझे एमओ की ज़रूरत है नहीं, वो तो रिलोडेड है भाई। तो निकलते हैं भाई यहाँ से, और इसके लिए तो की है नहीं मेरे पास पैडलॉक की, तो सेफ की। और यहाँ ग्रैंडी ग्रैंड पा मुझे नज़र तो नहीं आ रहे, अभी मुझे उनकी ज़रूरत है भाई, उन्हें टपका के मुझे मज़ा लेना है। तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मैं उन्हें नहीं चाहूँगा तो ज़रूर नज़र आएंगे। कहाँ गए दोनों भाई, मुझे ग्रैंडी दिख चुकी है भाई आगे।
यहाँ साउंड मैंने कर दिया, गृहिणी आती होगी। ये आ रही है गृहिणी। अरे वहाँ की रुके बढ़िया। अरे आगे तो आ, ये आ रही है। ये बजाया है इसका 2 मिनट 30 सेकंड के लिए, वो तो गई। अब चाहिए, अब मुझे ढूंढना होगा ग्रैंड पा को। अरे वो ग्रैंड पा बूढ़ा कहाँ से आएगा? अरे तक आया नहीं बूढ़ा। आगे या पीछे? आगे जाकर देखना हो क्या गाइस? डर ही लगता कहीं ना, मैं आगे जाऊँ बगल से उड़ मुझे ठप्पा कर दे। मुझे हॉरर गेम में उसके कैरेक्टर से नहीं है, ठप्पा से डर लगता है भाई, जंप स्केयर से। खैर वैसे ग्रैंड पा आए नहीं भाई, ये बुढ़ा नहीं आएगा यार, मेरा गेम बजाएंगे छोड़ेगा लगता है। कोई नहीं, तब तो मैं इधर से कुछ निकाल निकाल लेता हूँ। अंदर मुझे कुछ तो दिख रहा है। अरे भाई ये जॉली निकल क्यों नहीं रहा? अरे निकल जाओ भाई इससे पहले कि ग्रैंड पा मेरा गेम बजा दे। यस निकल गया भाई ग्रैंड पा के आने से पहले। ये अंदर कुछ एक लीवर था वो, जो कि ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। ओ भाई साहब वो दरवाज़ा खुला हुआ, ये भाई साहब अभी तो बच गया भाई ग्रैंड पा से। और ये हम लोग आ चुके हैं सिक्योरिटी रूम में। खैर अभी उसका हमें ज़रूरत है नहीं, और एक पीस ऑफ पिक्चर है तीसरे सिक्योरिटी रूम में जाकर फेंक देते हैं, क्योंकि अभी हमारा रास्ता खाली है और ग्रैंडी कभी भी आ सकती है, क्योंकि हमने बहुत देर लगा दिया भाई ग्रैंड पा को मारने में। तो ग्रैंड पा से बहुत ही ज़्यादा पहले ग्रैंडी आ जाएगी, तो हमें संभल कर खेलना होगा। शायद ग्रैंडी आ चुकी है, तो हाथ में शॉर्ट गन रखना ही होगा गाइस। इसे रिलोड कर लेते हैं और हमेशा अब हमें सतर्क रहना होगा, कभी भी ग्रैंडी आ सकती है भाई। ग्रैंड पा के डेड बॉडी गायब हो चुके हैं, तो अभी कुछ देर बाद आ ही जाएंगे। ये क्रोवर उठाते हैं भाई, ऊपर वाले क्रोवर को खोलेंगे और फिर भाई देखो यहाँ एक बॉक्स है, उसे हम लोग खोलेंगे क्रोवर से, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। इसमें एक गैसोलीन कैन, खैर अभी तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। और अगर हमें सब सारा कुछ मिल जाता तो वैसे तो सोच रहा हूँ हेलीकॉप्टर स्केप करने के लिए, पर देखते रिसोर्सेज मिलते हैं कि नहीं। दे भाई भाई भाई, अब नीचे जाकर नीचे वाला जो बॉक्स है ना उसे खोलना पड़ेगा मुझे ग्रोवर से। जल्दी जाके उसे भी खोल लेते हैं, क्योंकि भाई साहब ग्रैनी कभी भी आ सकती है भाई, बड़ा डर लगता है मुझे ग्रैनी से। ये नीचे से भी खोल दिया भाई साहब, कटिंग पार्ट हमने उठा लिया भाई, हमने कर दिया साउंड। क्रोवर गिरा कर ग्रैनी आती होगी अगर होगी तो, वरना अगर मरी हुई होता तो नहीं आएगी भाई ग्रैनी। खैर जल्दी से अपना शॉर्ट गन उठाते हैं भाई साहब, मुझे शॉर्ट गन लेना होगा। शॉर्ट गन कहाँ है मेरा? पहले इसे काटो भाई, मेरा शॉर्ट गन कहाँ है भाई? अरे मेरा शॉर्ट गन कहाँ गया भाई? मेरा अपना शॉर्ट गन कहाँ फेंका था मुझे याद भी नहीं है। कोई नहीं, शॉर्ट गन से ही काम चलाते हैं भाई। शॉर्ट गन तो मैं भूल ही गया कहाँ फेंका था मैंने, कहाँ फेंका था। खैर उससे पहले ये सब छानबीन, यहाँ एक ग्लास फ्रिज मिल चुका है तो ठीक है भाई, ऊपर के रास्ता के लिए हमें मिल चुका है। खैर मुझे लग रहा है ग्रैनी आ चुकी है या फिर ग्रैंडपा भी, भाई साहब दोनों आते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वो दोनों कभी भी आ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ देखते हैं भाई कुछ है। यहाँ है हैंडवील, ठीक है हैंडवील मिल चुका है। आगे आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग एस्केप कहाँ से करना है वो डिसाइड कर लेंगे। और ड्रावर भाई तीनों का तीनों खाली है, इसका ये दरवाज़ा खोल देता हूँ। ये भाई लग गया हमारा निशाना सही जगह पर, और ये दरवाज़ा खुल चुका है, ये हम लोग एमओ उठा लेते हैं। और भाई साहब उठ क्यों नहीं रहा है एमओ? ये एमओ उठता क्यों? ठीक है भाई यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, हमें लाना होने से कटिंग पार्ट्स, जिससे कि हम लोग वो जो अलमीरा टाइप का है उसे खोल पाए। उससे पहले ये गिरा कर साउंड कर देते हैं ताकि ग्रैनी इधर बिजी हो जाए, और फिर हम लोग देख ले ग्रैनी है कि नहीं। भाई साहब ग्रैनी उठ चुकी है, ये ग्रैनी भाई साहब ऊपर से ही गई, ग्रैनी तो ऊपर से ही ठिकाने लगा दिया। बुढ़ा आ रहा होगा, बुढ़ा कहाँ से आएगा भाई साहब? बुढ़े आ जा, बुढ़े रहो जा, जल्दी आ जा बुढ़े। अरे बुढ़े कहाँ से आएगा? ये बुढ़ा रखता अभी तक उठा नहीं सोकर, पता नहीं भाई ये बुढ़ा अभी तक आया कि नहीं। पता नहीं इस बुढ़े से मुझे क्या, मुझे तो कटिंग प्लेट से मतलब है, पर उससे पहले अगर बुढ़ा मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। कोई नहीं, देखते हैं भाई मुझे बुढ़ा, मुझे आवाज़ तो आई है बुढ़े की, बुढ़ा यहीं कहीं है। यस ये ले भाई, ये बुढ़ा भी गया, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी लेकर कटिंग फ्लैट ऊपर जाते हैं, फिर वो क्या कहते हैं भाई उसे, वार्ड्रोब नहीं नहीं
अरे क्या कहते हैं भाई उसे, मतलब अलमीरा, अलमीरा टाइप का यार, मतलब मुझे कुछ ना कुछ पता नहीं उसे क्या कहते हैं, पर वहाँ के हमें बस वो सिक्कड़ जो होते हैं चेन, वो काटने हैं इस कटिंग पैड से, फिर देखते हैं अंदर क्या है। भाई अंदर एक ड्रैकुला बंद रहता है ना, ड्रैकुला रहता है इसलिए सिलेंडर में पता नहीं, पर हाँ ड्रैकुला टाइप का ही कुछ रहता है, या फिर दूसरे गेम का करेक्टर होता होगा। देखो भाई गिरा वो, और ये हमें मिल चुका सेफ की, ठीक है भाई सेफ की उठा के जल्दी से हम जाते हैं नीचे, वहाँ से खोल के शायद हमें कुछ ज़रूरी चीज़ मिल जाए, कुछ काम का चीज़, तो वहाँ से भी हम लोग कुछ ले लेंगे। ये ड्रावर भाई यहाँ है एक बोट की, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमें सारे चीज़ का रास्ता दिख चुका है, बस सारे चीज़ों के लिए बस फुल रिसोर्सेज मिल जाए भाई, कुछ कुछ रिसोर्सेज मिल चुकी है, बस किसी भी एक एस्केप करने के लिए मुझे एक रास्ता चाहिए। और ये हमें मिल चुका है पैडलॉक की सेफ्टी के अंदर से, पर अभी हमारे पास पैडलॉक की काफ़ी कुछ ज़रूरत है नहीं। ये हेलीकॉप्टर मैनुअल भी मिल चुका है, अब हमें लगता है कि हम लोग हेलीकॉप्टर स्केप करके रहेंगे। तो यहाँ हम लोग दरवाजे से ऊपर आ जाते हैं और स्टन गन उठा लेते भाई, थोड़ा सेफ महसूस होता है स्टन गन लेने पर। और कहाँ है भाई वो लोग, जगते नहीं गए, आ रहे क्या भाई वो? आई थिंक मेरे हिसाब से मेरा शॉटगन नहीं गिरा था, यस ये रहा मेरा शॉटगन। आ वाह बुढ़े बुढ़िया, आ वाह तू है कहाँ वो? अरे वो दोनों है कहाँ भाई? भाई बुढ़िया दिखी मुझे, बुढ़ी है ग्रैनी है, अरे बुढ़िया 50 की उम्र 70 की लगती है बुढ़िया। गजब बेइज्जती है। ये भी गई, अब ग्रैंडपा बाकी है भाई, ग्रैंडपा को बुलाएंगे। ये नीचे तक ग्रैंडपा है क्यों नहीं भाई, ऊपर से क्या आ रहे हैं भाई? इस कैबिनेट में कुछ नहीं है, और ये बुढ़ा इतना लेट क्यों करता है भाई? वो उसका कान वान है कि नहीं? उसके बीवी को मैंने टपका दिया यार। अरे बुढ़े कहाँ गया? बुढ़े बुढ़े, अरे भाई ये बुढ़ा कहाँ रह गया? कोई इतने अंदर जाकर देखते, अंदर भी कुछ कुछ रह सकता है। कुछ नहीं है भाई अंदर, कुछ नहीं है, बस हमें रेंच चलाकर इसका पानी निकालना हो तो शायद उधर हमें कुछ मिल जाए। खैर ये बुढ़ा है तो खाया नहीं यार, ये बुढ़ा बाहर हमारा वेट तो नहीं कर रहा टपकाने के लिए, टप्पा करेगा बुढ़ा? अरे भाई ये बुढ़ा कहाँ है भाई? हमें एक और पैसा पिक्चर मिल चुका है, पर यार बुढ़ा मिल जाता ज़्यादा ठीक रहता, उसे टपका के चले जाते, पर यार रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेगा जल्दी से ऊपर भागो भाई, रिस्क रिस्क रिस्क, जल्दी भागो जल्दी भागो, जवाब भाग 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 भाग। ये बुढ़ा भाई मुझे धप्पा कर दिया यार, जल्दी सड़क में उठा के इसे ठेकान लगाना पड़ेगा भाई। ये बुढ़ा अलग ही डरा देता यार, मुझे हार्ट अटैक आया था कि नहीं? चलो भाई मुझे तो हार्ट अटैक आता, इसे तो गोली चढ़ा दिया। जल्दी फीचर फीचर लेके ऊपर से जाना, ऊपर जाना हो यार भाई साहब, ये बुढ़ा डरा देता है यार। ये शॉटगन भी खाली हो चुकी है भाई, ऊपर जाकर रिलोड कर लेते हैं शॉटगन। उससे पहले वो जो क्या कहते हैं उससे पीसा पिक्चर, वो पहले जाकर सिक्योरिटी रूम में फेंक देते हैं, बाद में रिलोड कर लेंगे गन को। ऊपर ऐसे वैसे भी स्टन गन पड़ा हुआ है, और ग्रैनी कांड से पहले हमें ऊपर भी जाना होगा। यहाँ यहाँ भी कुछ नहीं है भाई, चलो 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 जल्दी भाई, ग्रैनी कांड से पहले हम लोग को निकलना होगा यहाँ से। खैर ऊपर भी दो एमओ पड़े हैं, तो हमें रिलोड करना होगा, तो ऊपर आके रिलोड कर लेंगे। अरे भाई ग्रैनी उधर है क्या? नहीं नहीं ग्रैनी अभी ऐसे कैसे हो सकती है? नहीं भाई निकल 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 निकल, चलो भाई यहाँ फेंक दिया, जल्दी यहाँ से निकलते भाई, बस बहुत डर लगता है भाई, हाथ में गन नहीं है, अगर सामना वामना हो गया तो टपकेंगे। ये रेंच मिल चुका है, जल्दी जाके पानी भी निकाल देंगे। और ये इधर से रास्ता मुझे रिस्की लग रहा है भाई, यहीं से कूद जाते हैं भाई, वो रास्ता बहुत रिस्की है, कोई धप्पा कर सकता है। अभी तो ग्रैंड बम मरते मरते बचे भाई हम लोग से। ये भाई साहब ये हमने रेंच से खोल दिया है, पानी वानी सब निकाल दिया, और आई थिंक सो कि ग्रैनी बाहर आ चुकी है। नहीं भाई नहीं आई ग्रैनी बाहर, ठीक है तो निकाल के भाग जाते यार। यहाँ सड़न उठाते, ऊपर जाकर रिलोड कर लेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। यस भाई सड़न हमने उठा लिया, ऊपर जाकर रिलोड करेंगे। ये ग्रैनी ग्रेड बाहर कहाँ भाई? पता लगा इधर जा रहा हूँ उधर से ही आ रहे हैं, तब तो भाई गजब पोपट हो जाएगा मेरा। अरे भाई भाई ग्रैनी इधर से आ रही है, भाग 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 भाई साहब, ग्रैनी उधर से आ रही है, इनका उल्लू बनाकर मैं ऊपर भाग जाऊँगा। और अगर ऊपर से कोई आ रहा हो तो नहीं 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 भाई इसे रिलोड करते, बस आ जा ग्रैनी, बस ग्रैनी आ जाए, उड़ा दूंगा मैं अच्छे से गोली से उड़ा दूंगा। ये ग्रैनी बहुत चला कर भाई उधर से आ सकती है, हमें उधर उलझा कर इधर से आ जाएगी। देखो भाई अभी तक तो नहीं आई,
किधर से आ गया भाई? उधर से, किधर से? ऊपर से ये बुढ़ा लग ही नहीं आ रहा है। ये ग्रैनी मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही है? किधर से आ गया? एक बार आना बुढ़िया। अरे बुढ़े, अरे ग्रैनी, अरे आना यार, किधर से आई? मुझे पागल कर रही है यार। आ गई बुढ़िया, आ गई आ गई आ गई। अरे जा कहाँ रही है? डर गई क्या? सड़न देख। अरे भाई, अरे बुढ़े को बुलाने गई है क्या? ये बुढ़िया गई कहाँ यार? सड़न देख के भाग गई। फिर आ गई बुढ़िया। अरे किधर से आ गई? इधर से कि उधर से? अरे यार दो रास्ते। हाँ आ गई बुढ़िया। ले दिल पे, यस, इसके दिल पे अटैक मैंने कर दिया। अब इसका बुढ़ा कहाँ है? अपने बीवी के गम में आ गया जरूर। यहाँ किधर से आएगा? उधर से, किधर से? अरे यार ये दो रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं भाई, कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। ये बुढ़ा, बुढ़ा, यस भाई बुढ़ा भी आ गया। इसके भी मारो मल्ले, अपने पत्नी के साथ तू भी मर जा भाई, तू जिंदा रह के क्या करेगा? तो भाई ये शॉटगन फिर से खाली हो चुका है। एमओ एमओ है कि नहीं यहाँ भाई? एमओ अब सीधे मिलेगा मुझे नीचे, ताकि नीचे से रिलोड करते हैं भाई एमओ, क्योंकि अगर गोली नहीं रहा ना भाई इसमें, तो इसके बिना अधूरा है भाई। क्योंकि अगर सामना हो गया कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए शॉटगन इज सो इम्पोर्टेंट, समझ रहे ना गाइस? तो शॉटगन हमने फिर से रिलोड कर लिया है, और अब हमें देखना होगा भाई हमें कौन से रिसोर्स और मिलते हैं कि मैं यहाँ से स्केप कर पाऊँ, और ये बच्चे को भीतर टपका देंगे। ये अरे यार निशाना चूके से गया, एक एमओ वेस्ट। ये बच्चा तो गया। यहाँ ग्रेनेड पड़े हैं, ग्रेनेड छुड़ाऊँगा। ग्रेन ग्रेनेड फाको, तीन ग्रेनेड है। एक ग्रेनेड लेके यहाँ खड़ा हो जाता है, और अंदर है एक हेलीकॉप्टर की। वाह वाह भाई वाह। और ग्रैनी को यहाँ बुलाकर वहाँ बम फेंक देंगे, मर जाएगी ग्रैनी। क्या मस्त प्लानिंग है। ग्रैनी जिंदा हुई क्या? हुई कि नहीं? कहाँ है भाई ग्रैनी? बम फेंकना है मुझे। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ग्रैनी? बम छुड़ा दूंगा, एक और हाथ में आ जाए। कहाँ गया यार? कोई बात नहीं, यहाँ गिरा कर चल जाते हैं भाई, ऊपर जाते हैं। अब ये पीस ऑफ पिक्चर इतने सारे मिले, उसे सेट कर देते हैं ऊपर जाकर, ठीक है? अरे यार ये बीच में अलग ही रिकॉर्ड बन गया यार, ये अलग ही मुझे नहीं जाने दे रहा यार। ग्रैंड ग्रैंड पा गया तो मेरा क्या हो यार, बैंड बच जाएगा। चलो भाई, बहुत मुश्किल से उसे हटाया भाई, मुझे तो लगा था कि अब नहीं जा पाऊँगा ऊपर, ठीक है? आ गया मैं ऊपर, जल्दी जल्दी पीस ऑफ पिक्चर सेट करते हैं, और फिर दरवाज़ा आगे वाला खुल जाएगा, फिर वहाँ शॉटगन या स्टनगन से गोली मार मार कर वैसे निकल लेंगे। और आगे फिर एक और दरवाज़ा खुलेगा, फिर क्लास फिर तो हमें पता है ही कहाँ है। तो यहाँ से एक और पीस ऑफ पिक्चर उठाते हैं, इससे दरवाज़ा बंद करो भाई पहले, नहीं तो अगर वो दोनों आ गए तो फिर मेरा बैंड बच जाएगा, ठीक है? उठाते हैं पीस ऑफ पिक्चर, जाकर ऊपर सेट कर देते हैं जल्दी 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 जल्दी। भाई साहब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता यार, क्योंकि वो ग्रेनेड रेड पर बहुत तेज़ है, कभी भी आ सकते हैं मेरे टपकाने के लिए। ऊपर भी दो में पड़े हैं शॉटगन के, मुझे डरने की कोई दिक्कत तो नहीं है, पर मेरे हाथ में शॉटगन भी नहीं है। एक और बस, बस एक आखिरी पीस ऑफ पिक्चर कहाँ है भाई? ये भाई सभी तो और अंदर चले गया यार। ठीक है ठीक ठीक, जल्दी जल्दी ऊपर चलो, ऊपर चलो। आई यार चलो चलो, ठीक है हम लोग ऊपर आ चुके हैं गाइस, ठीक है? अब इसे भी सेट कर देते हैं, तो हमारा डोर हो जाएगा ओपन, फिर हमें एक गन लेकर आना होगा। यस ठीक है, हमारा डोर हो चुका है ओपन, और इसके लिए हमें चाहिए होगा एक गन। तो भाई मेरा स्टैंडर्ड कहाँ था वैसे? नीचे ही होगा यार हमारा स्टैंडर्ड, और शॉटगन तो नीचे ही है, पर मुझे लग रहा है कि ग्रैनी एंड भाग गए, तो सोच रहा हूँ यहीं से कूद जाऊँ क्या? सोच तो रहा हूँ कि यहीं से कूद जाता हूँ, फिर कोई दिख तो नहीं रहा आसपास। कोई नहीं, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, कूद जाओ। चलो भाई कोई तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे ग्रैनी थी भाई, मैं भाग जाता हूँ यार, पीछे ग्रैनी पड़ जाती है। ये है क्या नीचे भी ग्रैनी? ग्रैंडपा कोई है? ये अलग ही डर लग रहा है भाई, हाथ में गन वन कुछ नहीं है। चलो भाई ये दोनों में कोई नहीं, मुझे रास्ता खाली है, और ये बम उठा के ही बुलाता हूँ ग्रैंड ग्रैंडपा को। ये हेलीकॉप्टर की हमें मिल चुका है, इसे भी लेकर निकल तो लेते हैं, पर पहले ग्रेनेड उठा के। ग्रैनी आई क्या? ये ग्रैनी आ चुकी है, ये हमने फेंका बम और ख़त्म। चलो भाई ग्रैनी का तो काम ख़त्म हो गया, पर यार 2 मिनट 30 सेकंड के लिए बस, और एक और बस बम बचा है वो बुढ़े के लिए। वो बुढ़ा है कि नहीं अपनी पत्नी को देखने?
अरे यार, ये बुढ़ा अभी तक आके क्यों नहीं रहा यार? इंतजार करते करते दिमाग का दही हो गया मेरा, लेकिन ये बुढ़ा अभी तक नहीं आया। वैसे तो बहुत जल्दी आएगा, लेकिन अगर हाथ में कुछ नहीं रहा तो, लेकिन अभी मेरे हाथ में बम है तो दूर से ही भागा हुआ है। लेकिन ये बुढ़ा अभी तक देख क्यों नहीं रहा? कहाँ चल गया ये बुढ़ा? अरे बुढ़ा है, कहाँ गया रे बाबा? ढक टिकी ढक टिकी टार, उस बुढ़े की। अरे कहाँ गया यार ये बुढ़ा? कहाँ गया यार? बम देख के भाग गया। चलो भाई, स्टैंड में मिल चुका है, जल्दी लेके ऊपर चलते हैं। वैसे ऊपर चलो भाई, चलो चलो चलो, सिक्योरिटी रूम से जाएंगे हम लोग ऊपर, और फिर लोग मस्त, मतलब कि आगे आगे वाला गेट भी खोलेंगे। अरे भाई भाई भाई, भाई ये बूढ़ा भाई अंदर ही मुझे डराने के लिए बैठा था क्या भाई साहब? अलग ही ये हार्ट अटैक देता रहता है ये बूढ़ा। उस टाइम भी इसी ने हार्ट अटैक दिया था, कोई बात नहीं, हमने भी इसके दिल पर अटैक कर दिया है, ये भी मर गया। और यार चलो चलो ऊपर चलते हैं। वैसे ग्रेनी आ रही क्या? अरे नहीं आ रही, तो मैंने ग्रेनी को उड़ाया था। ग्लास फ्यूज लेके सिक्योरिटी रूम में फेंक देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत आने वाली है, तो इसे फेंक देते हैं यहाँ पे। यस, ये हमने इसे यहाँ पे फेंक दिया। जल्दी जल्दी अपना स्टैंड उठा दे। कहाँ गया, कहाँ गया मेरा स्टैंड? कहाँ गया? ठीक है, ये रहा मेरा स्टैंड। ग्रेनी आ रही है क्या भाई? ठीक है, जल्दी जल्दी इसे क्रॉस कर दे भाई साहब, जल्दी जल्दी इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा ये। अरे भाई मेरा एमओ, भाई मेरा स्टैंडर्ड का एमओ कहाँ गया? ये कैसा क्लिच है भाई? स्टैंडर्ड का एमओ ही मेरा गायब हो गया। वैसे कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए था स्टैंडर्ड के एमओ को, लेकिन गया तो गया कहाँ, कहीं दिख भी नहीं रहा यार मेरा एमओ। नीचे जाके देखता हूँ यार, नीचे है क्या? कहीं नीचे भी नहीं स्टैंडर्ड का एमओ मेरा, गया तो गया कहाँ। अब मुझे यार शॉटगन लाना पड़ेगा, फिर उससे पहले ये ग्लास फ्यूज ऊपर जाकर फेंक देता हूँ, क्योंकि भाई इसका यूज तो ऊपर ही है, तो ऊपर जब यूज होगा तो ऊपर आके ले लूँगा। अब मुझे यार शॉटगन ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं शॉटगन वाला कौन सा गली छुआ भाई। एमओ कहीं है ही नहीं, ना इधर ना उधर ना नीचे, पता नहीं यार क्या ग्लिच था ये। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी, पर ये हैंड व्हील। अरे भाई साहब, चलो इसे नीचे जाकर फेंक देते हैं, और यहाँ जाकर फेंक देते। चलो यहाँ आएंगे ग्रैंड पा, ये तो ग्रैंड भी कोई, ग्रैंड कोई तो हैगा। चलो फेंक दिया, शोर शोर मच गया। ये सड़क, अरे यार सड़क में तो एमओ नहीं था, ये मैं भूल कैसे गया? अरे यार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, सड़क में तो खाली है, कर भी क्या लूँगा मैं। चलो फिर ग्रैंड के आने तक वेट करते हैं, शायद ग्रैंड ही आए। यार ग्रैंड अभी तक आए नहीं, आए क्या? ग्रैंड है क्या बाहर? नहीं भाई, ग्रैनी नहीं आई है भाई, रास्ता क्लियर। चलो चलो चलो, ग्रैनी आई थी यार। अरे भाई भाई, ग्रैनी अभी भी है, ग्रैनी अभी भी है। शांति से अंदर रहते हैं भाई, कोई चलाकी नहीं, कोई चलाकी नहीं, नहीं तो फिर हमारा गेम अभी भी बच जाएगा भाई साहब। लेकिन एक बात तो मारना पड़ेगा, मैंने अभी तक एक भी बार मारा नहीं खाई है, मतलब डे वन अभी तक चल रहा है भाई, समझ रहे हो? क्या मस्त मुझे मज़ा आ रहा है, अभी तक मैं एक बार भी नहीं मारा हूँ। अभी तो डे वन भाई, भाई भाई भाग 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 भाग, ये बातें करते करते ये बुढ़िया कहाँ से आ जाती है बीच में भाई साहब? ये अलग ही डराती है यार बुढ़ी। ये ग्रैंडपा भी पता नहीं यार, आगे से अगर धप्पा करते तो फिर काम खत्म हो जाएगा मेरा। चलो ये ऊपर भाग जाता है, सबसे सेफ जगह ऊपर है भाई, ग्रैंडी ग्रैंडपा कोई ऊपर नहीं आ सकता, बूढ़े बूढ़े सीढ़ी थोड़े चढ़ सकते हैं। चलो भाई सड़क लेके आ गया हूँ, ऊपर है एमओ। चलो भाई साहब, नीचे उन दोनों को उड़ाने से बढ़िया पहले उन दोनों का वेट करता हूँ यार। आए तो आए क्या यार, बुढ़े बढ़िया आ क्यों नहीं रहे यार? गिराया क्या, साउंड हुआ आगे क्या? अरे आए क्या बुढ़े बढ़िया? अरे कोई तो आना है मुझे, कोई तो यार। अरे यार कोई नहीं आया, चलो छोड़ो, जो काम कर रहे हैं वो करते हैं भाई। यहाँ से तुम बहुत सारे तो मतलब कि ठीक है ठीक है, ये यार इतने सारे हैं वो, ठीक है ये चलो थोड़ा सा वेट करती। अरे यार ये आखिर, यस भाई साहब हमने ये गेट। अरे यार मेरा एमओ यार, मैं एमओ भी यहाँ से चला गया, पूरा ख़त्म हो गया। मेरे सड़कों का एमओ भी नहीं है, और कहीं एमओ कहीं नीचे भी एमओ कहीं नहीं है, तो अब मेरे पास एक भी हथियार नहीं है। ये बोट स्टीयरिंग व्हील है भाई, अब मेरे पास एक भी वेपन नहीं है, तो मुझे संभाल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती और मेरा गेम बच सकता है। तो यार वैसे हुआ,
तो भाई साहब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग हेलीकॉप्टर स्किप तो कर सकते हैं, पर हमें अभी तक टेप डक्ट टेप नहीं मिला है। तो यार डक्ट टेप मिला नहीं है तो हम लोग आखिर स्केप करें कैसे? तो चलो एक बार फिर से सब कुछ लगा हुआ कर देखते हैं, शायद कुछ हो। पर यार मेरे हिसाब से जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेस है, तो अरे भाई 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 आगे 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 रहनी है करनी आगे। तो जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेस है उसके हिसाब से आई थिंक सो कि हम लोग डोर स्केप भी कर सकते हैं। पर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है भाई, एक बार ट्राई करते हैं पहले हेलीकॉप्टर के पास, शायद उसके ही संभाल आते रहते अगर हमें कुछ मिल जाए डक टेप तो ठीक रहेगा। इधर हेलीकॉप्टर की था उसे लेकर आते हैं। ये रहा हेलीकॉप्टर की, चलो भाई इसे लेकर ये हम लोग हेलीकॉप्टर के लाकर चलो इसे यहाँ ड्रॉप करते हैं। और रहा गैसोलीन कैन, तो भाई गैसोलीन कैन तो नीचे था ठीक है भाई, बेडरूम वाले में था गैसोलीन कैन, तो वहाँ से उठा लेंगे गैसोलीन कैन। उससे ये बम भाई कहाँ है वो बुढ़े बढ़िया यार साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो, वहाँ है उन पर फेंक दूंगा बस एक और नज़र तो आ जाए। ये बुढ़िया उधर है, ये बुढ़िया उधर है भाई 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 ये भाई ये बुढ़िया, ये बुढ़िया बुढ़िया ये बुढ़े बुढ़िया दोनों को लपेटना चाहता हूँ मैं। बुढ़ा तो आगे गया है, बुढ़िया पीछे पीछे आ रही है यार, मुझे दोनों को लपेटना कोई नहीं, ऊपर चल जाता हूँ ऊपर से नीचे फेंक दूंगा मैं बम। ए बुढ़िया मैं ऊपर हूँ देख लिया यार, बम फेंक दूंगा सर पे बम फोड़ूंगा तेरे, ये बम इसी पे फोड़ दूंगा। चलो चलो फेंको फेंको फेंको, ये निशाना लॉक, ये लॉक्ड है। अरे नहीं भाई बम तो ऊपर ही गिर गया भाई, पीछे हो जाता हूँ यार, इनका कुछ खत भी नहीं यार, मेरा पूरा भी बंद मेरा ख़त्म हो गया यार, मैं करूँगा तो करूँ क्या। चलो हमारा पूरा प्लान फेल हो चुका है अच्छी तरह से, मतलब कि पूरे वेपन ख़त्म हो चुके हैं, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई करो तो करो क्या। वैसे एक बात कर सकता हूँ, हैंडविल जो है नीचे जाकर उसे लगा देता हूँ ताकि वो जो लोहे वाला जो गेट है गेट के आगे वो खुल जाए, तो अब हम लोग करेंगे डोर स्केप। लेट्स गो गाइस, हम लोग करेंगे डोर स्केप गाइस, यस। और ये नीचे ग्रैंडपा क्या कर रहा था यार, वो भी डरा देता है जबरदस्त वाला, और हमारे पास पैडलॉक की का है भी, तो भाई हम लोग एस्केप कर सकते हैं डोर से आराम से भाई। और हमने डोर का जो ये है हैंडल वो भी हमने ऊपर देख चुका है, तो अब हम लोग करेंगे डोर एस्केप। और ये ग्रैंड वगैरह नहीं ऊपर है क्या? ठीक है हम लोग नीचे आते हैं, नीचे मतलब कि वो लोग ऊपर ही है ना, ठीक है नीचे चलते हैं भाई, हम लोग नीचे आके लगा देंगे ठीक है, वो लोग ऊपर ही हैं अभी, छुप जाते हैं भाई ठीक है, छुप कर लगाते हैं हम लोग, कोई देखने नहीं चाहिए ठीक है। उन्होंने लगा दिया और हम लोग शोर तो हुआ है, बुलवाए कि नहीं, चलो हम लोग शोर करते जैसे कि गेम की स्टार्टिंग में हमने शोर करके उन्हें नीचे बुलाया था, वैसे ही हमें उन्हें नीचे बुलाना पड़ेगा। ये हमने कर दिया शोर भाई, भागो 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 भागो, छुपो छुपो भाई छुपो, ये लोग आ रहे हैं क्या, आने दो आने दो। फिर बस भाई हमारे पास बस कुछ सेकंड और फिर हम लोग हो जाएंगे एस्केप भाई, बस कुछ ही मिनटों में हम लोग एस्केप होने वाले हैं। वो गेट तो खुल चुका है, अब हमें बस डोर हैंडल चाहिए, डोर हैंडल लगा के बस हमें पैडलॉक किसी से गेट को खोलना है, और फिर कटिंग प्लायर से मतलब कि उसके चेन को, फिर क्रोवर से शायद कुछ काम है क्या। चलो छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, पहले तो डोर हैंडल निकालना होगा, उस डोर हैंडल तो इधर है अंदर, तो वहाँ से डोर हैंडल निकालते हैं जल्दी से। ये यहाँ पर डोर हैंडल, यस यहाँ से जल्दी निकाल के जाके डोर में फिट करते हैं, फिर वहाँ जाके हम लोग पैडलॉक की भी ले लेंगे क्योंकि वहीं आस पास में है। तो चलो भाई जल्दी 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 भाई जल्दी, चलो भाई जल्दी से निकल लेते हैं, बस थोड़ा भाई दो मिनट में हम लोग एस्केप करने वाले हैं। अरे भाई सब काफ़ी टाइम लग गया भाई एस्केप करने में, इसे मैं फेंक देता हूँ नीचे, बुढ़े बुढ़िया रहेंगे नीचे और मैं ऊपर से उधर से भाग जाता हूँ, वो लोग को मैं दूंगा चकमा। चलो भाई चलो चलो चलो, अरे भाई ये बुढ़िया बहुत चलाक है यार, मैंने उधर ही फेंका यार, ये इधर से आ रही है, मैं इधर से कूद जाता हूँ यार नीचे, और फिर नीचे जाके मुझे पैडलॉक की लेना होगा गाइस, क्योंकि पैडलॉक की से मुझे वो लॉक को खोलना है जो कि दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है। बस कहीं से ग्रैंडपा ना टपक पड़े वरना मेरी बैंड बच जाएगी, मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है। तो यहाँ भाई यहीं पर तो था पैडलॉक की,
चलो भाई यहाँ से मैंने सेफ लॉकर में होगा पेडलॉक की, यस ये रहा गाइस, यहीं से यहीं पे काम लोग करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा क्रोबार, ये हमने लॉक खोल दिया, अब हमें लेने जाएंगे क्रोबार नीचे। तो जल्दी जल्दी भाई नीचे चलते, इससे पहले ग्रैंडी ग्रैंड पर मेरा गेम बजा दे। भाई यहाँ एक ट्रैप लगा है, संभल के जाना होगा। और यहाँ भाई यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया था क्रोबार, जब मैंने यहाँ से कुछ ले गया था, क्या ले गया था यार मुझे याद नहीं, शायद से कटिंग प्लायर था पर कोई नहीं। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले ग्रैंडी ग्रैंड को बुला लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा ऊपर। ये मैंने बुलाने के लिए ट्रैप बिछा दिया, ये आ गए ग्रैंडमी, ये आ गया ग्रैंड पा बूढ़ा। चलो भाई जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं, बस हमें खोलना है भाई साहब क्रोवर से उस क्या कहते हैं उस उडन प्लैंक्स को हमें उखाड़ना है। भाई साहब हमने अपने ये काम भी कर लिया, अब बस हमें जो डोर हैंडल नीचे फेंका था भाई, बस हमें उसे लेकर आना है, डोर को खोलना है, बस यहाँ से स्केप भाई साहब, हम लोग स्केप कर देंगे। गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को। अरे भाई भाई भाग, ये ग्रैनी बहुत चलाक है यार, अपने बुढ़े के साथ आ जाती है बार बार, ये पीछे जाके मैं आगे चल जाऊँगा। चलाक हूँ भाई, इन लोगों से ज़्यादा चलाक हूँ, तभी तो गेम खेल रहा है यार। ये बुढ़ा आगे से कहाँ से आ रहा है, इतने में बुढ़ा उधर से जाएगा, मैं उधर जाकर फिर से उधर जम मार दूँगा। अब भैया बुढ़िया तो आ रही है, अरे रुक क्यों गए भाई, तू उधर से आना भाई, मैं तुम लोग को पागल बनाऊँगा। हाँ बुढ़ा भी आया भाई, बुढ़ाऊ भी आया। ओ भाई बुढ़े दादा ग्रैंड फादर साहब आ गए भाई, अब मैं इन्हें बनाऊँगा पागल, इनका बनाऊँगा मैं, मोए मोए करूँगा इनका, ठीक है। चलो भाई सब वो लोग को मैंने पागल बना दिया है, ऊपर उनका हो गया मोए मोए और मैं हम लोग यहाँ से एस्केप होए होए। चलो भाई साहब हम लगाएंगे डोर हैंडल यहाँ से एस्केप। भाई साहब आधे घंटे से भाई यही खेल रहा हूँ, रात की इतने बजे गेम खेल रहा हूँ यार, तभी इतने धीरे धीरे बोल रहा था मैं भाई साहब। और हाँ गाइस माफ़ करना अगर ज़्यादा एडिटिंग अच्छे से नहीं हुई हो, तो वैसे एग्ज़ाम के टाइम पे ये मैंने वीडियो बनाई थी, शायद इसलिए हो सकता है भाई इधर उधर हो सकता है वीडियो में, पर हाँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो और भी